वैसे वैसा। तो आज इस शो पर मैं मिलवाने वाली हूँ आपको उन दो लोगों से जिन्हें हमारे इस क्लब की मेंबरशिप मिल चुकी है। तो फर्स्ट गेस्ट वो हैं जिनका दिल बार बार यही तालियां तो मेरे लिए भी नहीं बजाई है इन्होंने कभी। हाउ इम्पोर्टेंट इज इश्क और लव आपकी लाइफ में, उसके इम्पोर्टेंस कितनी है? आई थिंक दैट लव एक ऐसी चीज है, प्यार एक ऐसी चीज है जिसको छुपाना नहीं चाहिए। आई अग्री विद यू। एंड इफ यू लव समवन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम योर पार्टनर। और अगर पार्टनर से रिस्पेक्ट चाहिए तो डेफिनेटली द वर्ल्ड्स रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी से प्यार करती हैं, वो आपसे प्यार करता है, अगर वो छुपाए इस बात तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता है मेरे पार्टनर का। एंड फॉर मी लव इज रिस्पेक्ट। जिस तरह से माई पार्टनर शुड रिस्पेक्ट मी, आई मीन दैट इज वॉट अकॉर्डिंग टू मी इज लव इन टूडेज जनरेशन, इन टूडेज टाइम। सो देयर इज नथिंग टू हाइड अबाउट। प्यार किया कोई चोरी नहीं की। बिल्कुल। प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन देबो, तुम्हारी बचपन की कोई रोमांटिक ऐसे फैंटेसी थी कि मैं बड़ी होंगी तो मेरा प्रिंस चार्मिंग ऐसा होगा? या पहले तो मैं सोचती थी कि डेफिनेटली जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुआ था तो डेफिनेटली वो राज के जैसे होगा, वो मेरे पीछे यूरो रेल पे चल के आएगा। एंड आई वाज टोटली मेसमराइज्ड बाय शाहरुख खान। तो आई वांटेड एवरीथिंग टू बी लाइक दैट। एंड आई लव द राज कपूर यश चोपड़ा वाला रोमांस जो होता है, मतलब इंटेंस पैशन एंड गाना गाना डांस करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो ऐसा लव मिला है कि नहीं आप? मिला है। मैंने तो हर किस्म का लव देखा है, पाया है। मैं बहुत लकी हूँ। बट वैसे भी मैं हीरोइन हूँ तो जो ऑफ स्क्रीन नहीं मिलता है तो वो चलो ऑन स्क्रीन मिल जाता है। सैफ ने ऐसी कोई चीज की है आपके लिए जो बहुत ही फिल्मी हो और एकदम रोमांटिक हो? आई थिंक सैफ इज अ वेरी बहुत ही अंडरस्टेटेड है, बहुत ही क्लासी है, बट उसमें एक अमेजिंग सा चार्म है, इनहेरेंट चार्म है जो स्क्रीन पे दिखता है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज देयर विद हिम पर्सनली आल्सो और स्क्रीन पे भी। एंड बट स्क्रीन का जो सेट है, सपोज जैसे हमने उसे रोमांटिक रोल्स में देखा है, उससे कितना डिफरेंट है वो आपके साथ? आई थिंक काफी डिफरेंट है। सैफ जो है स्क्रीन पे, अपार्ट फ्रॉम द चार्म, आई थिंक ही इज मोर फ्लैम्बॉयंट, मगर पर्सनल लाइफ में जो है वो काफी रिलैक्स्ड और अंडरस्टेटेड सा सटल आदमी है। मगर फिर हाउ डिड यू फॉल इन लव? क्योंकि आपको चाहिए कि यूरो रेल में भागे और ट्रेन पे कूदे और फ्लावर ऐसे फेंके। बट दैट्स व्हाट आई सेड, जो मुझे ऑफ स्क्रीन नहीं मिलता है तो वो मुझे ऑन स्क्रीन मिल जाता है। तो वैसे मैं बहुत लकी लड़की हूँ क्योंकि मुझे काफी मिल जाते हैं रोमांस करने। तो सैफ ने ऐसे कुछ बाइक पे स्टंट किया था, ऐसा कुछ हुआ था? मेरे लिए नहीं किया है बाइक पे स्टंट, मगर शायद बिपाशा और कटरीना के लिए किया था रेस में। यार ये सब उल्टा हो रहा है ये स्टोरी में यार। मगर मैं क्या करूँ, वो तो ऐसे हुआ है, मेरे साथ तो ऐसे कभी कुछ। अच्छा किया मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि प्यार में लोग क्या क्या करने को तैयार है अपने पार्टनर्स के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा प्यार पर बहुत विश्वास है। मैं नॉन वेजिटेरियन भी बन सकती हूँ, अपना करियर चेंज कर सकता हूँ, मैं उसके लिए मेरी दुनिया छोड़ सकती हूँ, सात समुंदर पार कर सकता हूँ मैं। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन बीवी को खुश करने के लिए कभी कभी खाना बना लेता हूँ। और मैं ये क्रेजी थिंग करती हूँ कि मैं इनका बनाया हुआ खाना खाती हूँ। खून तो सभी बहाते हैं पर मैं पानी की नदियाँ बहा दूंगा आँखों से। सैफ अली खान ने करीना के लिए जो टैटू निकाला है अपने हाथ पे, मैं उससे पहले कर चुका हूँ। मेरे पेरेंट्स, रिलीजन, फैमिली सब छोड़ने को तैयार। अगर कोई लड़की मुझे बोल रही है ना घर जमाए बन जा, तो वो भी बनने के लिए तैयार है। और एक गजनी रिलीज कर सकता हूँ। लव के लिए साला कुछ भी करेगा। ये तो ये तो मानना पड़ेगा कि सैफ ने जो मतलब जो जेस्चर किया था आपके लिए, ताजमहल बनवा देता तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना एक टैटू ने इतना इम्पैक्ट किया है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हम दोनों बहुत ही इंटेंस पैशनेट पीपल है एंड वी बिलीव इन द कमिटमेंट ऑफ लव। एंड आई थिंक इट्स अ सिंबल ऑफ हिज ट्रूथ एंड लव। मतलब इट्स अ एक्ट ऑफ ग्रेट ब्रेवरी और पैशन। और आपने ऐसा कोई टैटू किया है? मैं बहुत थोड़ी बहुत कंजर्वेटिव हूँ अपने पर्सनल लाइफ में लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि विमेन आर अ फॉर्म ऑफ प्योरिटी।
हम लोग चाहे जो भी कैरेक्टर स्क्रीन पे करें मगर पर्सनली जो घर पे है वी आर अ फॉर्म ऑफ प्योरिटी. तो आई बिलीव दैट दे शुड नॉट बी मार्क्ड एंड स्कार्ड. ये जब सैफ ने किया डिड यू लव हिम मोर आफ्टर दिस? प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ी उनके लिए. जो रिस्पेक्ट होता है, जो आंख की शर्म होती है, जो व्हेन आई लुक एट हिम एक लगता है कि एक ये इंसान है जो इतना ब्रेव है, जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है. तो आई फेल्ट दैट. करीना, तुम्हारी एक बहुत क्लोज फ्रेंड से हमने पूछा तुम दोनों के बारे में, हैव अ लुक. मैं वो पहली शख्स थी जो बेबो ने फोन उठाकर कहा कि आई लव सैफू. बेबो में काफ़ी बदलाव आया सैफू के मिलने के बाद. और यू नो, जो चीज़ें वो नहीं इंजॉय करती थी शी स्टार्टेड लविंग इट. दो साल पहले की बात है, आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट बर्थडेज ऑफ सैफू एंड शी वॉज ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ गिफ्ट फॉर सैफू. तो सैफू के लिए एवरी गिफ्ट वॉज सीमिंग कि ये कम है मेरे सैफू के लिए. यू हैड टू सी इट टू बिलीव इट कि जिस तरह से शी हैड मेड डन द प्लानिंग और फर्स्ट टाइम शी गॉट ऑन द इंटरनेट एंड वॉज लुकिंग फॉर थिंग्स. तो आई थिंक इट वॉज फैब और आइडिया बहुत ही नॉवल था एंड इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस एंड सैफू वॉज ऑफ कोर्स फ्लॉड बाय इट. दे टोटली सूट ईच अदर. Totally suit each other because Bebo में एक princess type of quality है और Saifu में एक nawab quality है. Naturally they are made for each other. करीना, ये एक mind में कभी आपके cross हुआ कि वो एक Muslim है और आप एक Hindu हैं? हम लोग सब इंसान हैं. That of course. And that is what is important. Saif, आपसे उम्र में काफी बड़े हैं आप. वो कभी ब्लॉक लगा कि यार वो कितना बड़ा है आपसे? किसी ना किसी के लिए कोई तो बना है, चाहे वो 10 साल बड़ा हो या 10 साल छोटा हो. कई लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में और जो आम जनता है दिमाग से बहुत सोचते हैं मगर भगवान ने दिल दिया है तो दिल का इस्तेमाल दिल से सोचना चाहिए. एक बात तो पक्की है, मेरी अगली फिल्म के डायलॉग्स आप लिखने वाले हो फॉर श्योर. आप अपने मनपसंद स्टार्स की पसंदीदा जानकारी पा सकते हैं. बस अपने SL पर SMS कीजिए TMBM और भेज दीजिए 58000 पर और जानिए क्या है इनका फेवरेट फूड, सनशाइन, लेटेस्ट मूवीज और बहुत कुछ. ये तो थी लड़कियों की सोच, लेकिन अब हम जानेंगे कि लड़के क्या सोचते हैं और इसीलिए हम मिलेंगे एक ऐसे लवर बॉय से जो लाखों लड़कियों का ड्रीम बॉय बन चुका है. द लेटेस्ट खान, मगर इस न्यूट्रोजिना डीप क्लीन ब्रेक के बाद. अवंतिका को कभी अपनी पहली बीवी के बारे में बताया? वेलकम बैक टू न्यूट्रोजिना प्रेजेंट्स तेरे मेरे बीच में. चलिए बिना देरी के बुलाते हैं द लेटेस्ट हार्ट थ्रॉब ऑफ हिंदुस्तान, इमरान खान. गाड़ी तेज है, बप्पू कुड़ियों में क्रेज है, बप्पू जितना अंग्रेज है. ये लड़कियां जो डबल जोर से चिल्ला रही है ना, ये प्यार के साथ इसमें अफसोस भी भरा हुआ है. अफसोस क्यों? अफसोस है क्योंकि ये जानती हैं कि तुम कंप्लीटली हुक बुक्ड और कुक्ड हो चुके हो. और कुक्ड, यू आर राइट, आई एम कुक्ड. प्लीज सॉरी बोल दो लड़कियों को. सॉरी लड़कियों, मैं हुक बुक्ड और कुक्ड हूँ. मैं बता दूं लड़कियों को कि इमरान हैज अ वेरी स्वीट गर्लफ्रेंड अवंतिका मलिक. और मैं वो ही पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे बेबो ने कहा कि उसके लिए प्यार का मतलब है रिस्पेक्ट. अगर वो अपने पार्टनर को एक्नॉलेज नहीं करती है, दैट मींस शी इज नॉट रिस्पेक्टिंग द लव दैट दे शेयर. ये मेरा डायलॉग है जिसने चुराया है. चुराया है यार ये. मैंने इंटरव्यू में यही डायलॉग बोला था, यू आर चुराइंग माय डायलॉग. This is my dialogue. ये मेरा डायलॉग है, मैंने बहुत पहले से बोला था. एक साल पहले मैंने ये लाइन बोला था. बेबो तुमने चुराया होगा. You are so mean. इतना अच्छा डायलॉग, ये बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोल रही है. मैं आगे भी बताती हूँ, शायद तुमने ही बोला. इनका डायलॉग राइटर है. She has a ready-made dialogue writer. मैं खुद अपने डायलॉग लिखता हूँ. हाँ तो ये आपको लगता है ये फैक्ट है? अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप इनके बॉयफ्रेंड है या वो गर्लफ्रेंड है, इन एनी केस अगर आपका एक ऐसा सीरियस रिलेशनशिप है तो आपको वो इज्जत देना ही पड़ेगा. यू हैव टू एक्नॉलेज देम एंड से कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी, इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप शादी कर रहे हैं, ये मेरा हस्बैंड है. तो आपको कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसे आपको छुप के करना पड़े.
If you are doing something like that, it is wrong. आपको कभी ऐसा problem आया क्योंकि आप इमरान खान हैं? हाँ बिल्कुल. अवंतिका is from a Hindu family. Is it ever कभी भी not that कि आपके परंपरा आपकी family से चली आ रही है कि किसी ने भी अपने कास्ट में शादी नहीं की है? And I think for that I need to give you. नहीं, this is true. हमारी खानदान का परंपरा. हाँ, मेरे नाना से लेकर के. हाँ. मेरी नानी क्रिश्चियन थी. इनके नाना है नासिर हुसैन, माय फेवरेट इज डायरेक्टर, जिन्होंने शादी की थी एक क्रिश्चियन से. मेरी नानी क्रिश्चियन थी, सो तब से लेकर आज तक आई थिंक हमारी. फिर मंसूर ने भी क्रिश्चियन से शादी की. देन योर डैड इज हिंदू. हां. एंड आमिर हैज मैरिड अ हिंदू. हां. सो यू आर जस्ट फॉलोइंग फैमिली. आई एम फॉलोइंग फैमिली ट्रेडिशंस. तो अवंतिका से कैसे मिले आप? जब मैं 19 साल का था, मेरी मुलाकात हुई अवंतिका से. एक दोस्त की पार्टी थी और हम दोनों उसको जानते थे, लेकिन हमारी मुलाकात कभी हुई नहीं थी. सो वी हैड बोथ गॉन देयर और पता नहीं ऐसा अचानक हो गया कि हमारी बातचीत शुरू हो गई और हम बात करते रहे करते रहे करते रहे और रात भर एक दूसरे से ही बात की. फिर कहा कि अच्छा चलो कल मिलते हैं. अगले दिन भी मिले एंड इन दिस चक्कर ऑफ कल मिलेंगे साढ़े रोज मिलने लगे और अब 6.5 साल हो गए. और अब भी तुम इतना ही बात करते हो जितना तुम 6 साल पहले करते थे मुझे. नहीं नहीं, मैं बात बिल्कुल नहीं करता हूँ. मैं सुनता बात नहीं करता. नहीं, तुम सुनते. मैं सुनता ही रहता हूँ. और अवंतिका बोलती है. वो बोलती है. गाइस, ये ही राज है ऑफ अ हैप्पी रिलेशनशिप. बोलो बिल्कुल मत बोलो. अच्छा, आज ये शो पे बोल दो. नहीं, तभी तो आज बोल रहा हूँ जितना बोल सकता हूँ. आजकल लवर्स जो है अलग अलग नए नए अपना रहे हैं तरीके प्रपोजल्स के. सुना है कि हिस्ट्री का जो सबसे हॉटेस्ट प्रपोजल था वो इमरान ने किया था अवंतिका के लिए. मैंने अवंतिका के दोस्तों से कहा था कि मैं उनको प्रपोज करने वाला हूँ. हमारे मिलने से शायद 1-2 महीने बाद मैं ऑफिशियली प्रपोज करने जा रहा था. तो मैंने उनके एक दोस्त को कह दिया कि कैन यू टेक हर आउट ऑफ द हाउस, कहीं आइसक्रीम खिलाने या कुछ कहीं ले जाओ सो दैट शी विल बी आउट ऑफ द हाउस. और उनकी एक दूसरी दोस्त थी जो मुझे हेल्प कर रही थी, तो मैं उनके घर में घुस गया विद परमिशन. वेरी इंपॉर्टेंट. और उनके बेडरूम में मैंने सारे कैंडल्स भर दिए. कितने कैंडल्स? पता नहीं, 200, 400, 500. नाउ आई टेल यू द प्रॉब्लम. इतने सारे कैंडल्स भरे हुए कमरे में, आप खिड़की नहीं खोल सकते हैं क्योंकि कैंडल्स बुझ जाएंगे. आप पंखा ऑन नहीं कर सकते, एसी ऑन नहीं कर सकते. टोटली मैंने शायद 1.5 घंटा स्पेंड किया था उस कमरे में उन सारे कैंडल्स के साथ. तो मुझे बहुत पसीना आने लगा था. इतनी गर्मी थी इस कमरे में और धुआं भरने लगा था कमरे में. फिर वो आई तो did she get excited and seeing वो काफी इम्प्रेस हुई. बट शी वाज थिंकिंग कि यहाँ कुछ जल रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है. तो जैसे ही मैंने प्रपोज किया कि विल यू दिया, इमीडिएटली मैंने पंखा ऑन किया, एसी ऑन किया, खिड़कियां खोल दी, कैंडल बुझा. मैं लेडी. तो इमरान, देखते हैं आपके रोमांटिक इंसान है इमरान. जब हम मॉरिशस में थे, मैं इमरान की हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अवंतिका की बेस्ट फ्रेंड हूँ ऑल्सो, ताकि मैं अवंतिका को ऑक्यूपाई कर सकती हूँ आउटडोर शूट्स पे. मॉरिशस में एक्चुअली इमरान ने मेरे को छुट्टी दे दी ताकि मैं अवंतिका को बाहर ले जा सकूँ, उसे बिल्कुल एग्जॉस्ट कर सकूँ, ताकि रात को उसको बिल्कुल पार्टी का मन ना हो. शी इज नॉट अवंतिका, शी इज जनरल फॉर अस. शी इज अ टेरर, उससे सबको डर लगता है बहुत. और जो ये सब लोग बोल रहे हैं, ये इमरान के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये सब लोग अवंतिका से डर के मारे उसके लिए सब उसका साइड लेके सब बोल रहे हैं. इमरान इज डेफिनेटली नॉट बोरिंग, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय. अच्छा इमरान, एक सीरियस नोट पे, आप बहुत ही बेहतरीन इंसान हो, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हो, बहुत ही अच्छी बात है. और अच्छा तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, मुझे भी हीरो बनना है, मदद तो करोगे. वी लव यू इमरान. वी लव यू. वी लव यू इमरान. But really, is she like Avantika's dominating? हाँ, हमारे सब दोस्त उनको जनरल बुलाते हैं, जनरल मलिक, इसलिए क्योंकि वो सबको बताती है कि you over here, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम टिकट ऑर्गेनाइज करो. तुम्हें भी मतलब काफी, तो तुम्हें अच्छा लगता है ये? अच्छा लगता ही होगा obviously. देखो इमरान, ये बात तो सच है कि अपने करंट पार्टनर्स के बारे में everyone is now open and you all two have set a precedent which I think is wonderful. लेकिन तुमने अवंतिका को कभी अपनी पहली बीवी के बारे में बताया? पहली बीवी? इसके बारे में और जानेंगे, मगर इस न्यूट्रोजिना डीप क्लीन ब्रेक के बाद.
गुस्से से कुछ होता नहीं है, कोई फायदा नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। I'm not hot tempered, I'm just वेलकम बैक टू न्यूट्रोजेना प्रेजेंट्स तेरे मेरे बीच में। इमरान ये बात तो सच है कि अपने करंट पार्टनर्स के बारे में एवरीवन इज नाउ ओपन एंड यू ऑल टू हैव सेट अ प्रेसिडेंट व्हिच आई थिंक इज वंडरफुल, लेकिन तुमने अवंतिका को कभी अपनी पहली बीवी के बारे में बताया? पहली बीवी? हाँ उसे सब पता है, हमारे रिश्ते में कोई ऐसी कोई सीक्रेट नहीं है। वो भी हिंदू मुस्लिम अलायंस था? हाँ वो भी एक हिंदू मुस्लिम अलायंस था। आप लोगों को पता नहीं होगा इमरान की एक बार शादी हुई है। शादी हो चुकी है। Shut up. नहीं, it's a fact. She's right. It's and a fact. He's not denying it. नहीं मैं बिल्कुल deny नहीं करूँगा। You should be open about this. ये किसी को नहीं बताया क्योंकि तब तुम काफी छोटे थे। हाँ, भूल हो गई इनकी बचपन में। हाँ, मैं शायद 3.5-4 साल का था। चार साल के थे और इन्होंने जूही चावला से शादी की थी कयामत से कयामत तक। हाँ अचानक प्यार हो गया मुझे, मैंने उससे प्रपोज किया था, एक रिंग भी दिया था। उन्होंने ले लिया था? उन्होंने ले लिया था, उन्होंने मान लिया। और फिर मुझे ये भी पता है कि वो रिंग तुमने वापस ले लिया उनसे। हाँ। और यही रिंग तुमने अवंतिका को दिया। अवंतिका की फैमिली में कभी ऐसा आया कि आप मुस्लिम हैं या आप? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। उनकी फैमिली बहुत ही ओपन थे, बहुत ही एक्सेप्टिंग थे। And I think they accepted me like their own son. अवंतिका की मम्मी जो है वो तो इमरान के बारे में पागल है, वो हम जानते हैं क्योंकि उन्होंने एक मैसेज भेजा है आपके लिए। उन्होंने भी मैसेज? या सरप्राइज। इमरान बहुत शांत इंसान है, बहुत ही कभी मैंने उसको ऊंचे बात करते नहीं सुना, कभी मैंने उसको किसी के साथ लड़ाई करते नहीं सुना, कभी किसी पर गुस्सा होते नहीं देखा, तो वो बाय नेचर बहुत ही शांत इंसान है। और आई थिंक कहीं पर उसकी जो वो क्वालिटी है और अवंतिका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो एकदम ऑपोजिट है उसको, तो वो कहते हैं ना गुस्सा नाक पे रखा हुआ है, तो कोई ज़रा सा भी कुछ करता है तो सबसे पहले वो तैयार हो जाती है लड़ाई करने के लिए। तो आई थिंक कहीं पे वो ठहराव जो अब थोड़ा काफ़ी मैं अवंतिका में देखने लगी हूँ वो इमरान का असर है। इमरान तुम कभी भी गुस्सा नहीं होते? नहीं। कभी आज तक गुस्सा ही नहीं हुए हो कभी? गुस्सा आता है कभी कभी, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे हिसाब से गुस्से से कुछ सॉल्व नहीं होता है। अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप नाराज हो जाएंगे, चिल्लाएंगे, उससे कुछ होता नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। ये आप बेबो को जरूर बता सकते हैं क्योंकि शी इज क्वाइट हॉट टेम्पर्ड। गुस्से से कुछ होता नहीं है, कोई फायदा नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। I'm not hot tempered. I'm just volatile. तो but कभी ऐसा अवंतिका को कभी लगता नहीं है कि आप क्यों नहीं झगड़ा कर रहा है मेरे साथ? हाँ अरे बहुत लगता होता होगा ना, because you're screaming and shouting and one person. और मैं बैठा रहता हूँ कि और ये ऐसे बोल रहे हैं गुस्सा मत करो, ये बिल्कुल गलत है, please चिल्लाओ मत, please गाली मत दो, please मुझे मत मारो। Now we have a lucky audience member who will get the Neutrogena hamper, which will make her skin healthy and beautiful. हमने इस बोल में यहाँ आई सारी लड़कियों के नाम डाले हैं, इसे हम शेक करेंगे और जिसका नाम मैं निकालूंगी उसे मिलेगा एक न्यूट्रोजेना हैम्पर। एंड द लकी गर्ल इज अर्शा। कपल का एक गाना होता है और शीरीष का है मेरे लिए मुझे मेरी बीवी से बचाओ वो गाना है उनका, लेकिन जोक्स अपार्ट तुम्हारा ऐसा कोई गाना है? वी हैव अ सरप्राइज, म्यूजिशियंस प्लीज आइए। इमरान वुड यू डू द ऑनर्स ऑफ सिंगिंग द सॉन्ग? या योर सॉन्ग। कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है,
ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके और कैसे कोई सोच दे एवरीथिंग्स गोना बी ओके। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए कैसे हंस दे खुश होके और कैसे कोई सोच दे एवरीथिंग्स गोना बी ओके। तो करीना आप सैफ के लिए उनका फेवरेट गाना गाएंगी प्लीज, जो आपने कहा उनकी गाड़ी में बजता है हर बार। स्टार्ट। बेबो मैं बेबो हाँ, दिल मेरा ले लो हाँ, दिल लेने आई ले लो जी ले लो। बेबो मैं बेबो दिल मेरा ले लो, दिल लेने आई ले लो जी ले लो। दोनों इन लव स्टार सुनाएंगे अपने लव के फंडे जब हम इन्हें बनाएंगे लव गुरु इज न्यूट्रोजिना डीप क्लीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू न्यूट्रोजिना प्रेजेंट्स तेरे मेरे बीच में। हमारे साथ है द कूल Kareena and the irresistible Imran. Irresistible. एक serious question पूछना चाहती हूँ। कुछ advice आपको कभी मिली है Imran? Which is the worst and best advice जो आपको मिली है आपके relationship को लेकर? मुझे तो हमेशा कहा गया है कि please जब भी कोई personal सवाल पूछे मैं उनका नाम नहीं लूँगी। But हमेशा बोला है कि please सिर्फ बोलना के just friends, you all are just friends. कभी किसी को बोलना नहीं दे यार। This is an advice. Yeah, and which I think is the worst. कभी follow नहीं किया advice, mind blowing. और इमरान? हाँ, एक fan थी, उसने कहा कि अपनी girlfriend को छोड़ दो, उससे शादी कर लो। लेकिन पता नहीं मैं। Good advice for her, but not for you. हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा advice होगा, I think. लेकिन it was not good for me. अभी आप दोनों को हम सोचने का मौका दे रहे हैं क्योंकि यहाँ आए हुए लोगों को भी बहुत सारी problems हैं, बहुत सारे इश्यूज है। तो आप दोनों का आज हम तेरे मेरे बीच में के लव गुरु बनाने वाले हैं और आप इस लव गद्दी पर बैठकर बहुत ही कैंडिड से जवाब देने वाले हैं इनको एकदम। लेट्स गो। आपका नाम? तब्रेज खान। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। एक ही है ना? एक ही है, एक ही है। मैं जिस इंडस्ट्री से हूँ उसमें मुझे काफ़ी लोगों को दिन भर मिलना पड़ता है एंड इंटरेक्ट करना पड़ता है लोगों से। पर मेरी गर्लफ्रेंड, मैं किसी से भी मिलूँ, दोस्तों से मिलूँ, फीमेल है खास करके, तो काफ़ी जेलस हो जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रहना भी एक प्रॉब्लम, ना रहना भी एक प्रॉब्लम, तो क्या करूँ? आप किसी लड़की से मिल रहे हैं और ऐसा कोई रोमांटिक एंगल नहीं है, और अगर आप उसके बारे में झूठ बोलेंगे फिर उनके सस्पिशंस कंफर्म हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हाँ ये इसका जरूर अफेयर चल रहा है। आई थिंक आप उसको ज्यादा वक्त नहीं दे रहे हो एंड दूसरों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपकी प्रोफेशन के वजह से। तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना और उसकी जेलसी कम करना, यू हैव टू गिव योर गर्लफ्रेंड अ लिटिल बिट मोर टाइम। तब्रेज, मैं एक एडवाइस दे सकती हूँ, गर्लफ्रेंड चेंज कर दो। लो करीना, लो इमरान, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे कपड़ों के बारे में बड़ा चूजी है। वो थोड़े से कंजर्वेटिव है, वो बोलते हैं कि नहीं, ज़्यादा शॉर्ट नहीं पहनना चाहिए, ज़्यादा रिवीलिंग नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट अगर आपको जो अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए और अपने बॉयफ्रेंड को आई वॉन्ट टू डू और फाइंड एक मिड पाथ सोल्यूशन जो होता है, मतलब मिडी, वो बोल रहे हैं मैक्सी और ये कह रही है मिनी, तो मिडी पहन लो, बीच में कॉम्प्रोमाइज कर लो आप। यस, हमारा अफेयर चल रहा है एक साल से, लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरा बॉयफ्रेंड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करता है और मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगता। हमारे बहुत झगड़े होते हैं लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं, ना मैं उसे छोड़ सकती हूँ ना उसके बात सकती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से?
जब हम साथ में होते उसका फोन आ जाता है तो बोलता है हम बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, वो हमारे सामने बात नहीं करता है। यार ये थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। हम बात नहीं सकते ना छोड़ सकते। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। ये एक्स गर्लफ्रेंड से बात करना तो बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसको हर एक मिनट का, हर टाइम का जैसे उसको हिसाब चाहिए, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। इमरान ये क्वेश्चन आंसर करेगा बिकॉज वो उसकी गर्लफ्रेंड को जनरल मलिक बुलाते हैं और वो आर्मी रेजिमेंट से। एक काम करो, एक लॉग बुक खरीद लो और हर 5-10 मिनट बाद लिख लो 520 मोकाचिनो ऑर्डर्ड, 525 मोकाचिनो आया। करीना ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कुछ चाहिए ऐसा? डू यू आस्क सैफ के कहाँ थे सुबह से क्या किया? नहीं मगर बातचीत तो जारी रखना चाहिए। तीन चार दिन बार दिन में तीन चार करीना कुछ बोल रही हो कि दिन में कितने बार बात करना चाहिए? 5-6 बार। सिर्फ 5-6 बार मिनिमम। तो निर्मल तुम कितने बार करते हो? मैं करता रहता हूँ। हाँ दिन में 2-4 बार। ये माइक दे वापस। 2-4 बार तो कुछ और मजा, बहुत सारी बातें विद करीना एंड इमरान। लेकिन एक छोटे से न्यूट्रोजिना डीप क्लीन ब्रेक के बाद आप कुछ कहती हो अपनी बहनों से इसके बारे में? मैं क्या कहूँ, मतलब मैं क्या मुंह लेके कहूँ। वेलकम बैक टू न्यूट्रोजिना प्रेजेंट्स तेरे मेरे बीच में। कई लोगों को लाइफ में प्यार मिल जाता है, प्यार करने वाला भी मिल जाता है, बट इन द बागेन कुछ लोगों का साथ छूट भी जाता है। हमारे आज के मैं हूं ना में हम आपको मिलवाना चाहते हैं एक ऐसे कपल से जिनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। लेट्स टेक अ लुक। हाय मैं हूं कल्पना, कल्पना पटवारी, और प्रोफेशनली मैं एक सिंगर हूं। मेरा नाम परवेज है, परवेज खान। मैं जब क्लास 8 में थी तब मेरे हस्बैंड परवेज से मैं मिली। आई लाइक हिज स्माइल वेरी मच। मुझे परवेज के नाम से प्यार हुआ था एक्चुअली। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, 2-3 साल बाद सीरियस इन्वॉल्वमेंट हो गया था परवेज जी और मेरा, और तब तक हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर लिया था। पापा को थोड़ा सा गुस्सा आया था और एक बात बोला कि तुम्हारा बहुत ब्राइट फ्यूचर था बेटा, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। जहाँ पे जहाँ से इनके मम्मी इनके पापा है वहाँ मतलब मेरा मना है जाने का। जितने भी शिकवे गिले है मेरे फैमिली और उनके फैमिली में वो सब मिट जाए। जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया उसको मैं परवेज के लिए छोड़ दूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और इसको पापा आप ऐसा कभी मत समझिएगा, आप उसी जगह पे हो और आपका जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। हमारे साथ है स्टूडियो में परवेज एंड कल्पना। शादी को कितने साल हो गए हैं? 9 इयर्स। 9 साल हो गए। परवेज आप क्या हुआ था, मतलब 9 साल तक आपके पेरेंट्स ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है? मैं जब मतलब इनके घर पे फर्स्ट अम्मा से मिलने गई थी तो जब थोड़ा सा फिल्मी था लेकिन मींस जब मैंने पैर ये किया तो उन्होंने पीछे ये किया था और एक ही सवाल किया था कि अगर यहाँ पे एक साथ रहना है तो आपको कन्वर्ट होना होगा। और मैंने बोला था कि वो मैंने माइंड मेकअप पहले से कर लिया था क्योंकि मैं इस बात को मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ कि जो हमारा समाज है जो भी ये है पुरुष प्रधान है और मैं नहीं चाहती थी कि इनफैक्ट पापा ने भी बोला था कि परवेज अगर वैदिक नियम से इसका मतलब हिंदुइज्म में परवेज अगर आ जाए तो एक्सेप्ट हो जाएगा। उन्होंने मुझे बोला कि आपको कन्वर्ट होना है। मैं बोला कि मैं कन्वर्ट हो गया, से सपोज मैं कन्वर्ट हो गया उसके बाद क्या, मैं तो यहाँ से चले जाऊँगा, मैं तो यहाँ से चले जाऊंगा। मैं भी नहीं चाहती थी कि क्योंकि मैं परवेज को फिर रिस्पेक्ट नहीं कर पाती थी। आई डोंट नो वो मन में। लेकिन आपने ये सैक्रिफाइस किया कल्पना उसके लिए? क्या सैक्रिफाइस किया मैंने? एक्चुअली हो सकता है कि गुवाहाटी इज़ अ स्मॉल टाउन एंड शायद मैं अगर मेट्रोस में पली बड़ी होती तो आई डोंट नो कुछ अलग भी हो सकता। वो आपसे मिलते हैं आपके पेरेंट्स? मिलते हैं मतलब ना मिलने जैसा। मैं जैसे किसी के आप घर में घुस जाओ और
सब लोग अवॉइड कर रहे हैं नहीं पापा के साथ. आपके डैडी आपको आपके गुरु थे सिंगिंग? जी जी एक्चुअली वो फोक सिंगर है और उन्होंने मुझे मीन्स संगीत के मीन्स एक बाप बेटी का रिश्ता तो था ही साथ में गुरु और शिष्य जैसा भी वो भी टूट गया है. सब कुछ टूट गया है ये सब कुछ नहीं रहा. आपको याद तो आती होगी? एकदम आती है और मैं ज्यादा बोलूंगी तो मैं रो पड़ूंगी. आपके पिताजी को किस बात की नाराजगी थी? जब मैंने बोल दिया कि परवेज कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो उसके बाद सीधा उन्होंने बोला ठीक है ले जाओ और उस वो बोल तो दिया. तब हमको लगा था कि शायद ये 2-3 महीना के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आपको कभी रिग्रेट होती है कि आप खुश हैं परवेज के साथ? आपको मैं परवेज के साथ बहुत खुश हूँ इसलिए कि परवेज ने भी मेरे लिए सैक्रिफाइस किया. बस एक बात का मुझे दुख है कि तब मैं वो समझ नहीं पाती थी जब मैं 19 साल की थी 20 साल की थी. आज मुझे इस बात का एहसास होता है कि अपने मम्मी पापा को जितना हो सकता है दुख नहीं देना चाहिए. इस बात का एहसास है. क्या मम्मी डैडी को लगा कि आपकी बहनों की शादी में प्रॉब्लम आएगा या लगा उनको लगा जो एक नॉर्मल अरेंज मैरिज होता है घर देख के इस ये पॉइंट तो नहीं आ जाएगा कि इनकी बड़ी बहन ने ऐसे शादी किया तो ये मन में अभी भी है मेरे ये चिंता है मुझे. आप कुछ कहती हो अपनी बहनों से इसके बारे में? मैं क्या कहूँ मतलब मैं क्या मुँह लेके कहूँ उनको. मैं बहुत सोचती हूँ इस बारे में क्योंकि मुझे गिल्टी फीलिंग होता है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ नहीं लेकिन कुछ एक हद तक मैंने गलती किया है. मैंने किसी को मैं कर्म फल में बहुत विश्वास करती हूँ. गलती नहीं किया कर्मा के जो कर्म और कर्म फल में विश्वास करती हूँ. मैंने अगर किसी को दुख दिया है वो घूम के वापस मेरे जिंदगी में आएगा मुझे ऐसा लगता है. जब किसी की शादी होती है उनको खुश रहना चाहिए. सब लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए उनको खुश. अगर स्पेशली अभी 9 साल गुजर गए सालों बाद इनकी शादी खुश है लेकिन ये एक बात है जिसकी वजह से ये खुश नहीं है. कल्पना आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स ये शो देख रहे होंगे. आप कुछ कहना चाहोगी इस शो के इस एपिसोड के द्वारा? मैं पहले तो माफ़ी मांगूंगी उनसे. मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ इस बात से कि खासकर मम्मी ने मुझे 9 महीना पेट में रख के फिर बड़े किया. बहुत सारे मम्मी ने भी सैक्रिफाइस किए होंगे और तब मैं नहीं समझती थी बहुत सारी बात. मैं ये मानती हूँ कि दुख देख के मैंने शादी किया है लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि मुझे एक अच्छा हस्बैंड मिला है. उनको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि मैं अगर उनके पसंद से अरेंज मैरिज भी करती है. आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि मैं खुश होती. मैं आज ये बोल सकती हूँ कि मैं खुश हूँ परवेज के साथ. और फिर बार बार मैं बोलते आ रही हूँ पापा को यही बोलती हूँ कि हमें मुझे माफ़ कर दीजिए आप. और क्या बोलूँ मैं बस. कल्पना ऐसा कोई गाना है जो आप अपने पापा के लिए? गाने की हालत में तो मैं नहीं हूँ. बस दो लाइन में गाऊंगी. पापा विदाई का ये होता है आसाम में. नहा के चदरी कैसे सुखाएगी. नहा के चदरी कैसे सुखाएगी. गौरी अंगना की छैया दे जैया हो. नहा के चदरी कैसे सुखाएगी. गौरी अंगना की छैया दे जैया हो. सॉरी मेरा सुर नहीं. एक्चुअली हम लोग के यहाँ पे आंसू आ गए थे. But I think we can just request that अगर वो शो देख रहे हैं तो her parents too that she has really I think asked for forgiveness and they should forgive. नौ साल हो गए. I hope इनके daddy मान जाएंगे. Let's hope for the best. Coming back, I think आप लोग honeymoon पे नहीं गए थे क्योंकि इतनी सारी problems हुई थी. उसको सोचने के लिए time ही नहीं मिला. वो बहुत ये चीज़ थी मतलब. दूर की बात थी. हमारी तरफ से हम आपको एक honeymoon package ज़रूर देना चाहते हैं. ये आपके लिए तो आप दोनों इसका फायदा उठाइए और आपको जहाँ जाना है हनीमून के लिए ये इमरान बेबो और मेरी तरफ से प्लीज. थैंक यू.
Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you, Pallavi. अब आप लोगों को पता है कि हमारे शो की एक परंपरा है जहाँ हम लोग आप लोग से कुछ लेते हैं, क्योंकि आपसे कुछ हम पर्सनल आइटम लेंगे और वो चैरिटी के लिए यूज होगा। तो इमरान, आप कुछ लाए हो हमारे लिए? हाँ, मेरी अभी फिल्म आई है लक। लक? हाँ, उस फिल्म में मैंने एक जैकेट पहना है जो प्रमोशंस में काफी दिखता है, फिल्म के फिल्म में भी मैंने पहना है, तो वो मैं डोनेट करना चाहूंगा। वाओ। एंड करीना? मैंने अभी अपनी फिल्म जो रिलीज हुई है कमबख्त इश्क, उसमें से मैं दो ड्रेस लेकर आई। दो? यार ये दो दे रही है, तू सिर्फ एक दे रहा है। उनके ड्रेस छोटे छोटे हैं ना। हमारे चैरिटी के लिए थैंक यू। लेकिन हम ऐसे इतने भी कंजूस नहीं है, हम भी आपको कुछ देंगे। बेबो, आपकी फेवरेट चैरिटी कौन सी है? सेंट एंथनीज ओल्ड एज होम। सेंट एंथनीज ओल्ड एज होम, उसके लिए फ्रॉम तेरे मेरे बीच में एंड मी, वी हैव अ चेक ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर योर चैरिटी। इमरान, आपको भी कुछ देंगे हम। एक फाउंडेशन है असीमा, वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम करते हैं। ओके, सो आई वुड लाइक टू डोनेट। तो आई थिंक इसके बूढ़ों का भी और बच्चों का दोनों का भी क्या होगा। ये 1 लाख का चेक आपकी चैरिटी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड ऑफ कोर्स मैं पर्सनली आपको कुछ देना चाहती हूँ, एंड मैं भी आपको एक स्पेशल कुछ देती हूँ एंड में। एंड बीइंग अ कोरियोग्राफर, इट्स अ स्टेप, so we have to all do the step of the week together. आप अपने डैड के साथ ताज होटल गए, आपके डैड को इस मुद्दा लेके रिजाइन भी करना पड़ा। आपने ऐसा स्टेप लिया कि आपको लगा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूं और मैं बताऊं लोगों को कि सलमान खान मुझे थ्रेटन कर रहा है। ये नहीं करना चाहिए, जो करना है मर्दों की तरह सामने जाओ, बैठो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है? मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास भी दो हाथ है, खत्म करो। हर अवार्ड फंक्शन पर धज्जियां उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया। मुझे तो एक अवार्ड फंक्शन से लेटर मिला था कि यू हैव वन दिस अवार्ड फॉर यू नो योर फिल्म कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके बाद मुझे कहा गया कि आप एक काम करें, फिर आप अवार्ड पे आए ना, और उठाकर वो अवार्ड किसी और एक्टर को दिया गया। जिनके लिए आपने ये सब किया, अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ? नहीं हुआ।